वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं रेस्टोरेंट स्टाइल मटन अफगान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देख सकते हैं हम कितनी थिक और रिच ग्रेवी बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मटन को पका लेंगे। तो कुकर में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम मटन और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमें हाई हीट पर 5 मिनट के लिए मटन को फ्राई करना है। इस तरह से मटन को हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये जो मटन के जूसेस है वो इसी में सील हो जाएंगे और मटन मज़ेदार बनेगा। रेसिपी थोड़ी सी अलग है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। अब देखिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से हाई फ्लेम पर भून लिया है और आप देख सकते हैं गोश्त जो है अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मटन गलाने के लिए आपके कुकर में कितना पानी लगता है आप ऐड कर दें। मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ। देखिए किस तरह से गोश्त अच्छे से सील हो गया है, इसके सारे जूसेस गोश्त में। अब हम इसको पका लेंगे एक छोटी प्याज के साथ। प्याज बिल्कुल छोटी ऐड करें और अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे कम से कम 4 से 5 विसिल के लिए। अब देखिए प्रेशर कुक कर लिया है मैंने। अब इसमें जितना भी पानी है इसे हाई फ्लेम पर हमें सुखा लेना है इस तरह से। अब हमारा मटन तैयार है तो अब हम इसकी बाकी की तैयारी करेंगे। मटन को हमें ठंडा कर लेना है। सेम रेसिपी अगर आप चिकन में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रोसेस को कंटिन्यू करें। अब देखिए अब ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने ग्राइंडर के जार में ऐड कर दिया। 1 इंच की सिनेमन स्टिक और थोड़ा सा जायफल जावित्री 2-2 पिंच लेना है। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे इलायची, 2 लौंग और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। ये सारी चीज़ें हमें ग्राइंडर के जार में ऐड कर देनी है। 1 इंच की जिंजर और 6-7 लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर देनी है। और यहाँ पे मैं 5-6 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ये ओरिजिनल रेसिपी का हिस्सा नहीं है लेकिन हम लोगों को फीका नहीं खाया जाता तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और 2 बड़े ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा। और 1/2 कोथमीर, अगर आपके पास में बड़ी ग्रीन चिली नहीं है तो आप छोटी ग्रीन चिली डालें और इस तरह से पेस्ट बना लें। अब पेस्ट तैयार है। तो जो मटन हमने गला के रखा था वो ठंडा हो गया है। इसमें जो हमने ये मसाला तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थिक 300 ग्राम दही। बिल्कुल थिक वाली दही यूज़ करें इसके लिए ताकि अच्छी सी ग्रेवी बने हमारी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मलाई यानी कि कम से कम 100 ग्राम और ये मैं घर की तैयार की हुई मलाई यूज़ करी। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 1 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें मलाई घी ये सारी चीज़ें हैं तो ये बहुत ही रिच ग्रेवी बनेगी। अब हम इसको स्मोक कर लेंगे। तो 1 चारकोल को मैंने गरम करके तेल डाल दिया है और ये सारा स्मोक हम ये मटन को दे देंगे तो बहुत ही मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर की ग्रेवी बनेगी। अब हम चारकोल निकाल देंगे और अब हम इसको स्टोकिंग पे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे जब तक कि ये ग्रेवी अच्छे से पक नहीं जाती, क्योंकि मटन ऑलरेडी पका हुआ है। सिर्फ हम मसालों को पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाना है और इस वक्त तक पकाना है कि जब तक ये जो ऑयल है वो रिलीज़ नहीं होता इस तरह से। अब तो स्टोव की फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। देख सकते हैं आप ये जो ग्रेवी है वो थिक हो रही है और जो ऑयल है मलाई में भी ऑयल निकलेगा और घी भी है इसमें और मटन गलाते वक्त भी हमने ऑयल डाला था तो ये सारी चीज़ें डाल के ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि मैंने मटन में ही नमक डाला था तो ग्रेवी के हिसाब से थोड़ा सा मैंने नमक और ऐड कर दिया। अब देखिए ग्रेवी थिक हो रही है तो स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे। देख सकते हैं हम कितनी रिच और थिक ग्रेवी बनी है। हमने इसमें कोई मसाला पेस्ट नहीं ऐड किया है लेकिन कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। अब लास्ट में हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो जो मटन अफगानी है इसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ज़रूर ऐड करें। कसूरी मेथी को हमेशा डालने से पहले इस तरह से हाथ से चूरा करके मसल कर डालें, इससे ग्रेवी में टेस्ट और अच्छा आएगा। और स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे। जैसे ही हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल मटन अफगानी बनकर तैयार हुआ है। और जो हमने स्मोकी फ्लेवर दिया है इसको तो इसकी वजह से ये और भी मज़ेदार बन गई है ग्रेवी। तो अब हम इसको सर्व कर देंगे। तो इसको आप किसी भी नान के साथ में या फ्लेवर्ड राइस के साथ में सर्व कर सकते हैं, मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं। अब हम इसको सर्व कर देंगे थोड़ी सी मलाई के साथ में। तो टेस्टी मज़ेदार मटन अफगानी बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से जिनको मटन अफगानी पसंद आएगा। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए और बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही यूज़फुल रेसिपीज़ जब मैं अपलोड करूँ तो आपको फौरी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।